अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग। आज जो है मैं आप लोगों के साथ आलू के पकौड़ों की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। दो आलू ले लिए थे, इनका छिलका उतार के इन्हें कद्दूकश कर लिया। आलू को जो है कद्दूकश कर लेना। एक बाउल ले लिया जो आलू कद्दूकश किया है वो इसमें डाल दिया। एक टीस्पून इसमें नमक की जाएगी, एक टीस्पून चाट मसाला, एक टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 4 टीस्पून इसमें जाएगी कॉर्नफ्लोर की, 4 टीस्पून मैदे की। इसे मिक्स कर लेना है। बहुत मज़े के बनते हैं आलू के पकौड़े, बहुत कम चीज़ें इसमें जाती हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को भी इसकी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसे मिक्स कर लिया, इसको जो है अब फ्राई करना है। कुकिंग ऑयल डाल दिया, ऑयल को गरम कर लेना। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम टेस्टी बाइट कीपी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। पकौड़े बना लेने हैं, बिल्कुल ही कम चीज़ें जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं पकौड़े, क्रिस्पी बनते हैं। मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह जब आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप लोगों को भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आप लोगों को कोई भी रेसिपी देखनी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ उस चीज़ की भी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। मज़ेदार से जो पकौड़े हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। ऑयल में से इन्हें निकाल लेना है। इसको जो है अब मैं डिश आउट करूँगी। बहुत मज़े के बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं, बिल्कुल ही कम चीज़ों से ये बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। मज़ेदार से जो हमारे आलू के पकौड़े हैं वो तैयार हो गए हैं। इंशाल्लाह जब आप भी ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप लोगों को भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बहुत मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं ये पकौड़ा। अब मिलूंगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।